हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। आप इंतजार कर रहे हैं एडमिट कार्ड के, आपको कैसे डाउनलोड करना है। देखो, आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाना चाहिए था, बट आया नहीं। और एक चीज़ सोचो, आप अगर परेशान हो रहा है एडमिट कार्ड के लिए, तो परेशान होने का चीज़ ही नहीं है। क्योंकि आप ऐसा सोचो, अगर एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो एग्जाम होना ही पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका ही नहीं आएगा। आज आपका मोस्ट प्रोबेबली यानी मैक्सिमम है 95% चांसेस है कि आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और देखो, उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ और देखो, और एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो क्या है, उसको ध्यान से एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, उसका ध्यान आप रखना। देखो, आपका फाइनली एडवांस सिटी एग्जामिनेशन स्लिप आ चुका है कि आपका किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू एडवांस सिटी इंटीमेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करने पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाला तो आपको मैंने बताया भी था, ठीक है ना। तो वो आपको कर लेना है। उसके बाद में देखो, एक चीज़ और था जो देखो जो बोल रहे थे, देखो काइंडली चेक योर फोटो सिग्नेचर बार कोड ऑन एडवांस सिटी एग्जामिनेशन स्लिप। इफ़ एनी वन इज मिसिंग फ्रॉम दिस फोटो सिग्नेचर बार कोड देन काइंडली री डाउनलोड, बिकॉज ऑफ विदाउट फोटो सिग्नेचर बार कोड योर एडवांस सिटी एग्जामिनेशन स्लिप इज इनवैलिड द सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर CBT मोड। आप देखो, जो आपका क्या था CBT मोड था, आपका कंप्यूटर बेस्ड था, जैसे आप स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर वाला था, इसमें देखो क्या लिखा है, द सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर CBT मोड एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर 21, 22 एंड 24 मई विल बी इंटीमेटेड लेटर, ठीक है ना। तो इतने तक आपको बाद में दिया जाएगा कि उन्होंने बोला था। अब आपका जो था एडमिट कार्ड आप जैसे ही आएगा यहाँ पर, आपको भी डाउनलोड एडमिट कार्ड का सेम ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके अपना डिटेल्स पुट करना है और आप जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो बस परेशान मत रहो उस चीज़ के लिए। मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही था, क्योंकि मेरे पास बार बार मैसेज आया कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा, बट प्लीज़ बता देना आए तो। टेंशन मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है ये रहा, देखो द स्टडी एटिक। इसमें देखो हर एक PDF, देखो किसी भी का किसका भी एप्लीकेशन निकलता है, देखो सब बता देता हूँ, ठीक है ना। सब कुछ मैंने हर छोटे से बड़ा अपडेट इस चैनल पे दिया है, देखो इस चैनल पे हेल्प मिलता रहेगा। देखो अब नोटिस में आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़, देखो शेड्यूल को मैं बता देता हूँ एक बार जो बोले थे मैंने। देखो देखो 15 मई को आपका यहाँ पर दिख रहा है, 15 मई, 15 मई को आपका पहला पेपर होगा। और उसमें देखो फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 11 के बीच में आपका केमिस्ट्री का है, तो ऐसा मत सोचना। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि आपका एक साथ ही एग्जाम होगा तीनों का, नहीं नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग शिफ्ट में होगा। अभी आप फिजिक्स का दे के आए, देन केमिस्ट्री का दे के आए, देन आप बायोलॉजी का, जैसे भी आपका शेड्यूल है, देन देखो उसी दिन पे अगर आपने अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी अगर आपने सेलेक्ट किया तो बायोलॉजी का भी है आपका। देखो 12:15 से 1 बजे तक 45 मिनट का होगा बायोलॉजी का भी। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया जनरल टेस्ट, और देखो जनरल और इंग्लिश के लिए आप जो बात कर रहे हो तो ICR के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ का इनका, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपका है फिजिक्स का 16 मई, नेक्स्ट डे आपका फिजिक्स का है, तो देखो फिजिक्स का। देन उसके बाद में आपका जो देखो एग्रीकल्चर हुआ उसका है, मैथमेटिक्स का भी 16 को है, फिर आपका थोड़ा लेट 21 को आपका देखो एग्रीकल्चर का, देखो इसमें लिखा हुआ है ना टेस्ट पेपर्स के अंदर में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा और एडमिट कार्ड के बारे में भी क्लियर हुआ होगा कि आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली आज ही आ जाएगा, तो इसके लिए परेशान ना रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो मेरे को नीचे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, बेटर रहेगा कि आप टेक्स्ट करना कॉल के बजाय। चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।